अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मग केक विदाउट एग। ये बहुत ही इजी और 1 मिनट रेसिपी है और ये मिड नाइट स्नैक है। और इसके लिए हमें चीज चाहिए 4 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून ऑफ वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने ब्राउन शुगर इस वजह से यूज किया कि इसका टेक्सचर अच्छा आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ मिल्क और 2 से 3 ड्रॉप हमें यहाँ पे व्हाइट विनेगर चाहिए। और यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून ऑफ कोको पाउडर, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने चॉकलेट मग केक बनाना था इसलिए मैंने कोको पाउडर यूज किया। अगर आप चाहें तो कोको पाउडर स्किप करके इसके अंदर वनीला एसेंस डाल सकते हैं। उसके बाद हमें 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और 1 टेबलस्पून ऑफ क्रीम चाहिए। अगर आप चाहें तो मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप फिर मिल्क पैक या फिर ऑर्पल्स की फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब चीजों को एक जगह मिक्स कर दिया था और यहाँ पे मैंने जो माइक्रोवेव से मग ले लिया है इसके अंदर ये सारा मैंने बैटर डाल देना है। इनको याद रहे आपने इसको अच्छे से छान लेना है। और इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब हम इस अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। फोर्क की मदद से आप कर सकते हैं। अब आ रही है हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें डालूंगी मैं पहले तेल। अब जो है वो हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे दूध 1 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि केक सॉफ्ट बने। सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और विनेगर एंड पे डालेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसके कोने में कोई मैदा नहीं रहना चाहिए। अब हमें इसके अंदर 1 और टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देना है। मिल्क ऐड करने से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। अब हम विनेगर इस वजह से ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा केक फूल जाए। अब यहाँ पे हमने माइक्रोवेव को 1 मिनट के लिए ऑन कर दिया। यहाँ पे अभी हमने जो केक है उसकी मग को हमने जो माइक्रोवेव की ट्रे होती है उसके कॉर्नर पे रखना है, मिड में नहीं रखना। और अब हम इसको बंद करके 1 मिनट के लिए लगा देंगे। आपने बीच में एक दफा चेक भी करना है कि हमारा केक फूला भी है कि नहीं। और यहाँ पे हमारा केक बन चुका है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा केक ऊपर से मग थोड़ा सा गंदा हो गया था। और अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चॉकलेट गनाश, जो कि मैंने घर में खुद बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। यहाँ पे मैं अब जो है इसकी टे आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप इसको मिडनाइट भी ये खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मग केक है। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।